हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विज्ञान अंश एंड आई एम हरदीप सिंह। टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड विद द क्लास 9 साइंस एंड दैट इज़ द डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फाइव किंगडम सिस्टम्स एंड इन दिस वीडियो वी विल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द प्लांट किंगडम एंड हाउ द किंगडम प्लांटी इज further divided into their divisions. So start with plant kingdom. Kingdom plantae, it have two parts. इसमें दो parts main रहे हैं। एक तो होता है cryptogamy. Cryptogamy किनको कहते हैं? Reproductive plants are very inconspicuous. इसका क्या मतलब है कि इन plants के अंदर जो reproductive parts है, reproductive means कि जिनसे ये आगे progeny produce करते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, वो बहुत छोटे से होते हैं, राइट? तो इनको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड द क्रिप्टोगेम्स। और क्रिप्टोगेम्स हैं कौन कौन से हैं वो हम यहाँ बात करते हैं। वह थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड ट्रीडोफाइटा। तो ये तीनों ही डिविजन्स किसके अंदर आते हैं? दे आर द पार्ट ऑफ क्रिप्टोगेम्स। सिमिलरली द अदर आर, और दूसरे जो बच जाते हैं दे आर नोन एज द फेनिलोगेम्स। फेनिलोगेम्स क्या रहते हैं? प्लांट्स विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू दैट अल्टीमेटली मेक सीड। कहता है ऐसे प्लांट्स जिसमें रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिल्कुल अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड हैं और ये सीड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज द फेनिलोगेम्स। तो फेनिलोगेम्स हमारे पास दो ही हैं, दे आर द जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। मीन्स जो स्पेस के ऊपर डाटा रहेगा दैट इज द फेनिलोगेम्स, और ये इधर वाले पेज के ऊपर जितना डाटा है they are the cryptogams. So this is the general division, you can write it. Cryptogams are hidden reproductive system, flowerless, seedless. Study करते हैं cryptogams. अब basic कहाँ चलते हैं? The first point is the differentiation in body. हम क्या देखेंगे कि body differentiated है या नहीं? Differentiation means कि क्या उसके अंदर root दिख रही है आपको? क्या उसमें stems हैं? क्या leaves हैं? अगर ये चीजें क्लियर दिख रही हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, तो बॉडी डिफरेंशिएटेड है, अदरवाइज बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है। इफ द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, अगर बॉडी नहीं डिफरेंशिएटेड है, इट्स नो, देन उन प्लांट्स को कहाँ रख देते हैं हम? इन थैलोफाइटा रख देते हैं। अभी हम हर डिविजन को इंडिविजुअली एक छोटे छोटे वीडियो में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात सब यही कर रहे हैं कि इफ बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है तो कहाँ रखा? थैलोफाइटा में। तो थैलोफाइटा में सबसे पहले क्या आ गई? That is commonly known as algae. हम इनको algae कहते हैं। ये पानी के अंदर होते हैं, इनमें vascular bundle नहीं है। vascular bundle का मतलब xylem और phloem नहीं होते हैं, ना seed है ना fruit है। example urothrix and chara। हम इसको पढ़ेंगे आगे, अभी सिर्फ general बात कर रहे हैं कि हमारी divisions कैसे तैयार हुई। तो हमने क्या किया? Body differentiated नहीं थी तो इधर चले गए। अगर body differentiated है, yes है, फिर क्या देखा? अब आगे तो सभी में मिलेगी। फिर देखा कि उनके अंदर वस्कुलर बंडल है या नहीं। अगर वस्कुलर बंडल मींस जाइलम एंड फ्लोएम, हम पढ़ चुके हैं, जाइलम कनेक्ट द वाटर एंड फ्लोएम कनेक्ट द फूड। अगर वस्कुलर बंडल नो है, फिर वही, अगर वस्कुलर बंडल है, देखिए डिफरेंशिएशन तो थोड़ी बहुत है, ओके, लेकिन वस्कुलर बंडल नहीं है, देन डिविजन ब्रायोफाइटा इज देयर। तो कौन सी डिविजन आ गई हमारे पास? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस? बिकॉज इनको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हम एम्फीबियंस किसको कहते हैं? हम फ्रॉग को एम्फीबियन कहते हैं। हम ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर या पानी के बाहर भी रहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो एग लेइंग कहाँ करते हैं? पानी में ही करते हैं, तो उनको कहते हैं। तो सिमिलरली इनको भी पानी की जरूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। Body is little bit differentiated. Body थोड़ी बहुत differentiated होती है stems या leaves. They don't have vascular bundle. लेकिन xylem और phloem इसके अंदर नहीं है, इसलिए इनको का अलग से इनकी division बन गई, that is bryophyte. They grow near the water sources और humid area. Example आया moss and marchantia. फिर हम दूसरी तरफ चले गए, yes, इसके अंदर vascular bundle present है, तो answer क्या आ गया? Yes. अगर yes है तो फिर किसको देखेंगे हम? Seeds को, कि सीड है या नहीं है। अब अगर सीड नो है फिर वही बात, अगर सीड नहीं है तो उसको किस ग्रुप में रख दिया हमने? दैट इज इन द ट्रीडोफाइट्स। तो ट्रीडोफाइटा में क्या आता है?
प्लांट्स बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स। देखिए इसके अंदर अगर ब्रायोफाइटा में रूट जैसी कुछ चीज दिखती है लेकिन दैट इज राइजोइड, लेकिन यहां ट्रू रूट्स आ जाती हैं। ये हैं, ये पहले हैं जिसमें आपको टू रूट्स दिखती हैं, स्टेम्स दिखती हैं, लीव दिखती है। ठीक है, प्लांट्स है वस्कुलर बंडल। प्लांट्स में क्या मिलेगा आपको, वस्कुलर बंडल तो है ही, एक्साइलम फ्लोएम, दे बियर द स्पोर्स, इनमें स्पोर्स भी होते हैं। तो एग्जाम्पल आर फर्न एंड मार्सीपिटल। फिर वहीं चले, अगर सीड नहीं है अभी तक तो हमने कहा कि ये तीनों किसमें रखे हमने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड ट्रिटोफाइटा, दे आर इन द क्रिप्टोगैम। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इन कॉन्स्पिशियस, कितने क्लियर नहीं दिखते हैं। अब देखते हैं कि इनमें सीड है तो कहां लेके चलना है। अब सीड है तो कहां शिफ्ट कर गए, यस, फिर हम देखेंगे फ्रूट है कि नहीं। ठीक है, सीड तो है लेकिन अगली स्टडी क्या कर दी कि फ्रूट है या नहीं है। अगर फ्रूट नहीं है तो कहां पहुंच गए, जिम्नोस्पर्म में। अगर फ्रूट है तो कहां रखा इसको हमने, देन इट इज इन एंजियोस्पर्म्स। तो यहां से ये क्लियर हो गया, यहां से वेरी मच क्लियर कि फेनीरोगैम्स में क्या आते हैं हमारे पास, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आते हैं। अब इनको देखते हैं। अब जिम्नोस्पर्म के क्या कैरेक्टर रहते हैं, प्लांट्स बियर नेक्ड सीड। नेक्ड सीड का मतलब है कि इनमें सीड तो होगा राइट, बीच में एम्ब्रायो होगा, तो एम्ब्रायो के ऊपर क्या चढ़ा होगा, सीड कोट होगा, बट दे डोंट हैव फ्रूट, लेकिन इसके ऊपर फ्रूट नहीं होगा। तो प्लांट्स बियर द नेक्ड सीड्स, दे डोंट हैव द फ्रूट्स। जिम्नो मीन्स नेक्ड, स्पर्मा मीन्स सीड। द प्लांट्स आर पेरिनियल्स, एवरग्रीन, वुडी। एवरग्रीन सदा हरे होते हैं, पेरिनियल कई साल तक चलते हैं। जो सबसे ओल्डेस्ट ट्री है वो भी जिम्नोस्पर्म है, जो हम रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया की बात करते हैं वो भी जिम्नोस्पर्म्स है, और ये बूढ़ी रहते हैं। वस्कुलर बंडल इज डेवलप्ड, यहाँ वस्कुलर बंडल पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका है। अब यहां इन्होंने क्या किया, पानी की जरूरत किस लिए थी, कि इस एम्ब्रायो को बचाना था, तो एम्ब्रियो को बचाने के लिए इन्होंने क्या कर लिया अपने ऊपर, एक सीड कोट बना ली हुई है। तो सीड्स इनमें प्रिपेयर हो गए हैं। तो हम किसको देख सकते हैं हमारे पास, क्या है, साइकस है, पाइंस हैं, इसी के अंदर आते। फिर चलते हैं एंजियोस्पर्म्स की तरफ। एंजियोस्पर्म इनसे भी ज्यादा डेवलप्ड हो गए, ठीक है, एम्ब्रायो, उसके ऊपर क्या आ गया, सीड कोट। अब सीड कोट किसके अंदर बंद हो गया, फ्रूट के अंदर। तो यहां क्या आ गया, उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ गई एंड दैट इज फ्रूट। तो इनमें फ्रूट प्रेजेंट होता है, द सीड इज प्रेजेंट इन द फ्रूट, फ्रूट में प्रेजेंट है। एंजियो मीन्स कवर्ड, सपर्मा मीन्स सीड। प्लांट्स आल्सो हैव वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, इसमें कई रंग के फूल हैं। ये सबसे डेवलप्ड पार्ट है, एंजियोस्पर्म जो है सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लांट्स हैं। जैसे हमने क्या देखा, कोई भी आप है जिसके ऊपर फूल दिख रहा है, सबसे ज्यादा वैरायटी भी आपको किसकी दिखेंगी, एंजियोस्पर्म की ही स्पीसीज दिखाई देती हैं। जैसे हमने मैंगो देखा तो दैट इज आल्सो, पीच, आड़ू देखा तो दैट इज एंजियोस्पर्म। अब नंबर ऑफ, फिर हम इसके अंदर देखते हैं, ये फिर आगे दो हिस्सों में डिवाइडेड है कि जो सीड है उस सीड के अंदर कितने कोट्स हैं, कितने कॉटिलेडन्स हैं। अगर एक ही दिखता है, अगर सिंगल दिख रहा है, देन इट इज मोनोकोट। द सीड ऑफ प्लांट हैव सिंगल कॉटिलेडन, दे आर व्हीट एंड मेज, एंड इन केस ऑफ डाइकॉट्स दे हैव द सीड हैव द टू कॉटिलेडन्स। अगर इसमें कितने आ जाते हैं, दो कॉटिलेडन्स आ जाते हैं, देन दे आर नोन एज अ डाइकॉट। तो कॉटिलेडन में क्या रहेंगे, पी, मैंगो, बीन्स, दे आर द डाइकॉट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इंडिविजुअली हर एक प्लांट के डिवीजन को पढ़ेंगे और उसके फीचर्स पे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।